दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म क्यों निष्फल होगा? हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आप अगर सच्चाई से, पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, हार्डवर्क और एफर्ट्स की जिंदगी जीते हैं तो आपका कर्म अगर सच्चा है तो वो कभी निष्फल नहीं होगा। तकलीफें तो सबको आती हैं और इसीलिए लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। हीरा जो है जब उसको धार लगती है तभी तो वो चमकता है, माटी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। यानी तकलीफें हर किसी को आती हैं, उन तकलीफों को झेल कर जो आगे बढ़ता है वही इस जहां में कुछ बन कर निकलता है। उम्मीद करता हूं आप सब मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे, बस दिल से मेहनत करते जाइए और आप सारा रिस्पेक्ट, सारा लव इस दुनिया में जो घूम रहा है वो हासिल कर लेंगे। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ उतरना होगा। और हम भारत के बेटे हैं क्यों सोचें, संघर्ष सरल होगा, हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।